मुरादाबाद लोकसभा सीट के लिए मतदान शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। मुरादाबाद के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि महानगर के अन्य इलाकों में पोलिंग बूथ पर मतदाता अत्यधिक कम संख्या में नजर आ रहे हैं। मुस्लिम वर्ग में महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और NRC और CAA जैसे गंभीर विषयों पर अपने विचार भी व्यक्त कर रही हैं। उनका कहना है कि जब हमें यहाँ पर मतदान करने का अधिकार है तो CAA और NRC का औचित्य क्या है, इनको फौरन वापस होना चाहिए। सवाल पे क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं, हम इस चीज़ पे बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है NRC पे और इससे CAA पे, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने वोट डाला है तो हमारी नागरिकता यहीं की है, इस चीज़ को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए कि हम यहाँ के नहीं, हमारी NRC CAA सब खत्म कर देना चाहिए। तो आप मोदी सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार से यही बैठक करेंगे कि विनती यही करेंगे कि आप सर NRC को CAA को खत्म करें जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी नागरिकता ही हमारी पहचान है और हम यही कहें। मतदान करने आई मुस्लिम समाज की युवतियों ने शिक्षा के महत्व को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। उनका कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में युवतियों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ताकि वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। क्या नाम है आपका? ये इस समय मतदान करने आई हैं, वोटिंग कैसी चल रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, देखिए सब अच्छा ही रहे आगे तो। प्रशासन ने क्या इंतजाम कर रखे हैं? बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, कोई किसी को ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं है, बहुत सुकून से बहुत अच्छे से हो रखा है। ये नहीं है कि तुम धक्का मुक्की हो रही है, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से हो रहा है और वोटिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें अपना वोट डाला। मैडम एक बात बताइए, जो महिलाओं के लिए आगे जो सरकार आने वाली है क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए, महिलाओं क्या उम्मीद करेंगे सरकार से? बस यही होना चाहिए कि महिलाओं को थोड़ा सपोर्ट की जाए, जो आजकल चल रहा है जैसे कहीं लड़कियां अपने आप को महसूस नहीं करती, वो चीज़ होनी चाहिए सबसे पहली बात तो, और हर चीज़ पे लड़कियों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर लड़की पढ़ेगी तो आगे ही अपने आप को पीढ़ी को आगे बढ़ा सकती है। कल को हम पढ़ रहे हैं तो हम आगे अपनी पीढ़ी को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें अब कैसा करना है कैसा नहीं करना है, तो इस चीज़ का सरकार से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दें और घर की लेडीज़ के लिए पढ़ाई के लिए जितना हो जागरूक करें। कुछ लोग अभी भी पढ़ाई को लेकर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो ज़्यादातर उनसे यही कहा जाए अपने बच्चों को पढ़ाएँ लिखाएँ और अपने देश का नाम उजागर करें। हम लोग जैसे बोल रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ मेरी माँ बहने आए और बोलें, तो इसलिए आगे से ज़्यादा पीढ़ी पर ध्यान दिया जाए कि अगर लड़की पढ़ेगी तभी तो वो आगे बढ़ेगी। सरकार से जैसे हमने सरकार जिस चीज़ के लिए वोट के लिए ज़्यादा वो करती है, इसलिए कि लड़कियों को सपोर्ट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए लड़कियों पर। वहीं इसी समाज में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए युवती के चेहरे पर मतदान की खुशी साफ देखी जा सकती है। क्या नाम है बेटा आपका? बेटा आपने पहली बार वोट डाला है जी, क्या कहेंगे आप एजुकेशन के लिए? नहीं, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या कहेंगे, आगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की कैसी होनी चाहिए? लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।